मॉर्निंग गाइस, कैसे है आप लोग? सब ठीक? नमस्कार, हियर आई एम विद अनदर व्लॉग डूइंग अ सिंपल मेकअप। एंड ओके, वन मोर थिंग, मैं नाइट सूट में हूँ, इसका मतलब ये नहीं है भाई कि मैं बस उठी और मेकअप करने लगी। आई हैव डन ऑल माई मॉर्निंग रूटीन्स, दैट कॉफ़ी हो गई एंड ब्रश, नहाना वगैरह सब कुछ। बट वाइल मेकअप आई प्रिफर दिस यू नो सॉफ्ट कोजी नाइट सूट विच इज़ फ्रॉम ऑफ कोर्स कर्वी नेशंस। मतलब ये प्रमोशन नहीं है, बट आई लव दिस नाइट सूट। ओके, आई लव इट। मैं इतनी इस नाइट सूट से ऑब्सेस्ड हूँ कि मैं हर जगह पर मतलब ये पहनना चाहती हूँ। मेरा बस्ट डे तो मैं इसे दिन भर पहन लूँ। बट आई ऑन अ सीरियस नोट, आई लव दिस नाइट सूट। एंड आज मैं मेकअप कर रही हूँ क्योंकि मुझे रील्स बनाने हैं, तो इसलिए मैं हैवी मेकअप नहीं करूँगी। जब मैं हैवी मेकअप नहीं करती, मेरी स्किन फिर भी बहुत ग्लो करती है, एंड उसका राज मैं आपको बताऊँगी। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। ओके, क्या है ना, रात को लेट हो गया सोने में, तो इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, इसलिए आई एम साउंडिंग लाइक दिस। बट कोई बात नहीं, मैंने सोचा अब रेडी होना ही है, तो यार आप लोग के साथ क्यों ना रेडी हो जाऊँ। मेकअप करते हैं, बातें करते हैं। आप लोगों ने मेरा फर्स्ट प्रोफेशनल ऑडिशन वाला व्लॉग देखा कि नहीं, बताइए बताइए, देखा कि नहीं? बस यार मैं इतनी खुश थी ना, मैं आई मीन खुश हूँ ऑफ कोर्स कि चलो रिजल्ट्स जो भी हो, सिलेक्ट हो ना हो, रिजल्ट्स जो भी हो, बट आई एम हैप्पी दैट फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैंने एक प्रोफेशनल ऑडिशन दिया। आई जस्ट गॉट अ कॉल थ्रू वन ऑफ कास्टिंग डायरेक्टर, रेप्यूटेड कास्टिंग डायरेक्टर एक्चुअली, कैन नॉट ओपन अप हिज नेम, बट आई एम वेरी हैप्पी एंड फिंगर्स क्रॉस्ड, होप सो जल्द से जल्द मुझे रिजल्ट मिले एंड मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। अब शुरू करते हैं मेरा मेकअप एंड लाइक डांस वीडियोस बनाने हैं, तो फुल मेहनत है, फुल बोलते हैं ना एकदम ढांसू वाला डांस, ना टुना टुना टुना, मैं ट्राई करूँगी नाटू भी करने का, तो बहुत पसीना आने वाला है। एंड आई कैन नॉट बेयर, मैं ज़्यादा हैवी मेकअप कर डांस नहीं कर सकती, वो पता नहीं मुझे होता ही नहीं है, इसलिए आई डू अ वेरी लाइट मेकअप एंड देन टू हाउ माई स्किन टर्न्स आउट यू विल सी इट। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। सो आई टाई अप माई हेयर, यू कैन सी आफ्टर द हेयर कट इट्स लुकिंग सो डैम ऑसम, आई जस्ट लव इट। पुष्पा आई हेट योर्स रे, आई डोंट नो ये क्या हुआ है, बट ठीक है, बाल ऊपर होने से मतलब है। सो एवरी डे का ये रूटीन है, लाइक टू टाइम्स अ डे, ये जो है ये किधर गया, ये मेरे बहुत काम आता है। दिस इज प्योर नेकेड नेचर का फोमिंग फेस वॉश, एंड उसने मतलब आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आज 7 महीने हो गए मैं इस फेस वॉश को यूज़ कर रही हूँ। आई हैव लिटरली स्किप्ड माई हिमालय का फेस वॉश, जब से मैंने इसे यूज़ करना चालू किया ना, ओ माई गॉड, मैंने सच्ची बोला था यार, सच्ची उस व्लॉग में जो ऑडिशन वाला, उसमें सच्ची बोला था, मेरा फाउंडेशन का खर्चा बच गया, मेरा ये जो अपना क्या बोलते हैं कंसीलर का खर्चा बच गया, बिकॉज आई डोंट नीड टू यूज़ इट मच। जहाँ पर एक पूरा पंप फाउंडेशन एंड ऑल पहले लगता था, अभी 2-3 डॉट्स ओनली, वो भी कभी किया तो किया, एंड व्हेन आई एम लाइक नहीं मुझे कुछ करना है फेस पर, बाहर कहीं जाना है, तब तो मैं लगाती भी नहीं हूँ फाउंडेशन, बस इससे मुंह धो लिया, मॉइस्चराइजर लगा लिया, या बस हो गया। सो दिस इज लिटरली अ लाइफ सेवर फॉर मी, लिटरली आई एम नॉट एक्चुअली प्रमोटिंग इट, बट मैंने ये प्रमोशन के तौर पर ही इस ब्रांड को एक्सेप्ट किया था। बट देन यू नो एक जेन्युइन रिव्यू है इस ब्रांड के साथ, बिकॉज व्हाट दे से लिटरली इट वर्क्स, इट वर्क्स। बोलते हैं ना पिंपल्स अगर है तो वो 2-4 दिन में ही वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं इस फेस वॉश को लगाने के बाद। ओ माय गॉड, आई उस टाइम पर तो मेरे फेस पर था पिंपल जब मैंने इस ब्रांड का प्रमोशन लिया था इन सितंबर, एंड मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, लाइक 2-4 दिन बाद द पिंपल गॉट रिड्यूस्ड एंड कोई दाग नहीं रहा, इट लिटरली वैनिश्ड, आई वॉज सो हैप्पी। तो मैंने सोचा यार आई डोंट वॉन्ट टू डू एनी अदर थिंग नाउ, आई एम जस्ट गोना यूज दिस। एंड मतलब बोलते हैं ना कि आपके लाइफ में कुछ एक बेस इंपॉर्टेंट होता है, सो दिस इज माई इंपॉर्टेंट बेस, इसके बिना आई कैनॉट स्टे एट ऑल। रात को सोने से पहले भी फेस वॉश करती हूँ ताकि जो भी जर्म्स है वो निकल जाते हैं, लेकिन फेस वॉश के बाद, ट्राई करने के बाद, यू हैव टू यूज़ मॉइस्चराइजर, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो मैंने ये फेस वॉश कर लिया है, एंड नाउ यू कैन सी आई कम क्लोजर जस्ट से, इट इज़ सो सो सो
ऑसम। नाउ आई होप लाइक मैं मॉइस्चराइजर पूरे हाथ पर मेरे स्प्रेड होगा, तो मैं पहले मॉइस्चराइजर से पहले मैं मेरा लेंस वेयर कर लूँगी बिकॉज इट गिव्स मी मोर कम्फर्टेबल थिंग एंड आप लोग को देखने के लिए भी मेरे को आसानी होगी, वरना मैं देख नहीं पाऊँगा, मैं अंधी हूँ। मॉइस्चराइजर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई मॉइस्चराइजर ऑलवेज एंड ऑलवेज, एंड बाहर जा रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू अप्लाई योर सनस्क्रीन बोल रही हूँ मैं, सनस्क्रीन। अरे अरे, सो इट्स बीन लॉन्ग टाइम कि मैं पार्लर नहीं गई हूँ, तो आप देख रहे हो मेरी मूछें आ गई है। इसे निकालते, ये है मेरा वो फीमेल वाला रेजर, इसे क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, आई नेवर केम टू नो कि इसे क्या बोलते हैं, बट दिस हेल्प्स मी अ लॉट। लेडीज, व्हेनेवर यू यूज दिस रेजर, डोंट फॉरगेट टू अप्लाई सम एलोवेरा जेल और सम मॉइस्चराइजर, तभी वो वर्क करेगा। अगर आप ड्राई स्किन पर करोगे ना, योर स्किन इज गोना गेट डैमेज्ड। ओके, यस, मेरी मूछे चली गई आफ्टर डूइंग दिस। अगेन अप्लाई मॉइस्चराइजर, आहा, ठंडा ठंडा लगता है। चल आता पुढे जाऊया, आता पुढचा मेकअप करूया। सी, इतना गंदा मराठी बोला मैंने। चला आता पुढचा आपण मेकअप कंप्लीट करूया, आई मीन टू से अब आगे का मेकअप शुरू करते हैं। सो वी विल स्टार्ट विद द आई मेकअप। आई मेकअप इसलिए क्योंकि जब हम आई शेडो लगाते हैं, अगर हमने पहले से ही फेस का मेकअप कर रखा है तो ऑफकोर्स यहाँ पर जो आई शेडोज एंड ऑल सब गिरेगा, यू विल अगेन हैव टू वाइप इट, अगेन अप्लाई फाउंडेशन। इससे अच्छा है भाई आप पहले आंखों का ही मेकअप कर लो ना, बाद में चेहरे का करो ना, काहे को प्रोडक्ट वेस्ट करने का, काहे को अपना टाइम वेस्ट करने का, है कि नहीं। दिस इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट मेरी भाषा में। देखो यार, मुझे आई शेडो एंड ऑल का ना ये जो एक्सक्लूसिव आई मेकअप होता है, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। मेरा एक आग का आई लाइनर अगर ऐसा बना तो दूसरे आग का ऐसा बनेगा, तो मैं ये फैंसी आई मेकअप तो पॉसिबल नहीं है। डांस में मेरा डांस स्टेप इंपॉर्टेंट है, मेरा थोबड़ा नहीं, तो इसलिए का एक टेंशन लेने का इतना है। तो मैं यूज कर रही हूँ कैरेमल ब्राउन का SFR कलर। ओके, तो इसका जो पैलेट है बहुत खूबसूरत है, लुक आप लोग भी दिख रहे हो उसमें, हाय। तो मैं ये वाला शेड यूज कर रही हूँ, कहा गया ये लाइटेस्ट ब्राउन शेड, लाइटेस्ट ब्राउन। मेरे आग पर चढ़ने के बाद पता नहीं ये क्यों ज्यादा डार्क दिखने लगता है, सिल्वर काइंड ऑफ, हाँ फिंगर से ही लगा लेती हूँ। अरे वाह, लाइट वाने का मस्त तरीका है। आई मेकअप हो चुका है, अभी आई लाइनर लगाते, काजल की तरह भी यूज कर सकते हैं एंड आई लाइनर की तरह। वन साइड का आई लाइनर लग गया, लग गया, सेम लग गया। इतनी खुशी मुझे आज तक। अपर आई लिड्स पर भी लगा दिया, इट विल गिव एन इंटेंस लुक एंड कंप्लीट आई लाइन लगेगा। फाउंडेशन लगाते, ओके, तो आप देखोगे मैं कितना फाउंडेशन यूज करती हूँ, आपको पता चलेगा। फैशन कलर का फाउंडेशन FC ऑयल फ्री फाउंडेशन है। टुचक, टुचक। बस इतू सा। लुक, नथिंग डिफरेंस, राइट? मैं नहीं लगाती तो भी चल जाता, दैट फेस वॉश डज रियली वर्क लिटरली। अब कंसीलर, ये तो खत्म हो गया, तो नया खरीदने का मेरे को ज्यादा इच्छा भी नहीं है। Anastasia Beverly Hills ka eyebrow pencil, done with eyebrows. Now let's apply some blush. This is Mary Jo K ka silky blusher in shade 08.
हाइलाइटर सिवाना कलर्स नेकेड इल्यूमिनेटेड। सो माय मेकअप इज डन बना डन। ओके, तो उस दिन जब मैं मतलब आपने देखा उस व्लॉग में कि मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी, तो यू नो रेने एंड ऑल का मैं लेना चाहती थी बहुत टाइम से मल्टी लिपस्टिक वाला स्टिक, बट नहीं ले पाई। एंड आई हैव दिस, आई एम सो ग्लैड। ट्रेन में मुझे 200 रुपीज़ में ये 200 रुपीज़ में मुझे 5 शेड्स मिले, 1 2 3 4 5। हाँ ऑफकोर्स वैसा नहीं होता जैसा ब्रांड का होता है, बट इट इज ऑसम। यू कैन सी दिस इज वन कलर, दिस इज द ब्राउनिश न्यूड कलर, दिस इज पर्पल आई गेस, पर्पल है, एंड देन हियर इट इज रेड, दिस इज लाइट पिंक न्यूड, दिस इज अ लिटिल बिट ऑफ डार्क पिंक न्यूड। सो टुडे व्हिच शेड शुड आई वेयर, वो मैं अब क्या करूँ, आई गो विथ रेड, I love wearing red. So here it is. I'll go with the red one. It has really good pigmentation. Look how beautiful the red has come out. I love it. And I will pack everything and I'll get back to you. So I'm done with the makeup. Now let's just comb our hair. I normally hair comb karna pasand nahi hai. I like the frizzy look, it gives a great volume actually. Chalo guys, so let me know how was my today's makeup and kaise laga aapko ye vlog, mujhe zarur batayega. Also don't forget to subscribe my channel, your steady next door, you to know. Make sure you like and comment ki aapko ye look mera kaise pasand aaya. I know it's very simple, but you know simple is more elegant than any other heavy look. And jab dance ki baat aati hai, dekho main plus size hu aur mujhe sweating bhi hoti hai, to I have to take care about that ki baba mera look kharab na ho. To isliye na ke barabar makeup karo and dance enjoy karo, बहुत एंजॉय करो। बाकी आप लोग को मेरे डांस के वीडियोस कैसे लगते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सोच रही हूँ मैं टीचिंग जो होता है सिखाना इन सेंस जस्ट लाइक यू नो हुक स्टेप्स जो होते हैं पर्टिकुलर सॉन्ग के, सिर्फ वो हुक स्टेप्स आई विल स्टार्ट द ट्यूटोरियल। लेट्स सी व्हाट रिव्यू कम्स अप ऑन इट एंड हाउ पीपल लव टू लर्न एंड टू सी, देखते हैं। तो बस हमें काम करते जाना है एंड बाकी सब आप लोग के हाथ में है। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। मैं अब रेडी होती हूँ, मैं मेरा लुक नहीं दिखाऊंगी क्योंकि शॉर्ट्स में आपको मेरा लुक दिखेगा शॉर्ट वीडियोस में, तो अभी दिखाने का कोई मतलब नहीं। आई विल सिट इन माय कंफर्टेबल नाइट सूट एंड थैंक ऑल यू गाइस फॉर ऑल योर सपोर्ट, फॉर ऑल योर लव। आपकी दुआ जल्द रंग लाएगी मुझे यकीन है, एंड मेरी मम्मी तो है ही मेरे साथ। एंड और क्या बोलूँ यार, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल गाइज, लव यू ऑल। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय टेडियंस, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ओके, एंड कीप लविंग मी। बाय टेडियंस। नींद सांता करे एक खाब तेरे, एक खाब da 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 da